नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं राजमा चावल रेसिपी। यहां पर मैंने राजमा बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और साथ में चावल भी ऐसे बनाए हैं ताकि वो खिले हुए और बिल्कुल सफ़ेद बने। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएँ। सबसे पहले राजमा तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी राजमा। ये राजमा हमने रात को 12 घंटे के लिए अच्छे से धोकर और इन्हें भिगा दिया था। साथ ही में मैंने इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाला था ताकि ये रात में अच्छे से फूल जाएं। और अभी इन्हें प्रेशर कुकर में 5 सीटी लगाकर उबाल लिया था। और हमें चाहिए ये टमाटर प्यूरी। यहाँ मैंने 5 टमाटर की प्यूरी बनाई है। राजमा में टमाटर ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास देसी टमाटर है जो बिल्कुल लाल होता है तो आप इसकी क्वांटिटी 4 करें। और यहाँ पर मैंने 3 बड़े प्याज पीस लिए हैं और यह है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें मैंने 8 से 10 लहसुन यूज़ किया है और लगभग 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। अब हम कुकर में लगभग 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल लेंगे। आप चाहें तो देसी घी में भी इसे छौंक सकते हैं। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे अच्छे से ऑयल में मिक्स करते हुए भून लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। पेस्ट का कलर चेंज हो चुका है तो अब इसमें लगभग 2 चुटकी हींग डालेंगे और इसे भी मिला लेंगे मसाले के अंदर। अब इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी तेल के साथ 1 मिनट तक भूनेंगे लो फ्लेम पर। अब इस पेस्ट में नमक डालेंगे। ध्यान रखें नमक मसाले के अनुसार डालें क्योंकि राजमा उबालते वक्त भी हमने उसमें नमक डालकर ही उसे उबाला था। अब हम इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और इसे मसाले में चलाकर भूनेंगे 1 मिनट के लिए। आप मसाले को जितना ज़्यादा भूनेंगे सब्ज़ी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। आप भुना हुआ जीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक तेल में प्याज अच्छे से भुन ना जाए और ये मसाला तेल छोड़ना शुरू कर दे। ये आप देख सकते हैं मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें जो टमाटर प्यूरी हमने बना के रखी हुई थी उसे ऐड कर देंगे और इसे भी मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन उठाकर देखेंगे। अभी मसाले ने तेल छोड़ना शुरू नहीं किया है, इसे एक बार चला लेंगे ताकि ये नीचे जल ना जाए। और इसे बिना ढके ही 5 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। ये आप देख सकते हैं मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी कि ये पूरी तरीके से पक चुका है। तो अब हम इसमें ये उबले हुए राजमा डाल देंगे और इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे राजमा के अंदर अभी थोड़ा पानी कम दिख रहा है तो ये जो राजमा का पानी मैंने पहले निकाल के रखा हुआ था इसे मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आपको लगता है कि आपने उबालते टाइम राजमा में पानी ज़्यादा डाल दिया है तो आप उसे उसी वक्त निकाल सकते हैं, छोंकने के बाद ना निकालें। राजमा अच्छे से मसाले में चलाने के बाद इसका ढक्कन लगा के कुकर बंद कर देंगे और अब इसमें हाई फ्लेम करके 2 सीटी लगा लेंगे। ये पहली सीटी आ चुकी है, ये दूसरी सीटी भी आ चुकी है। तो अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर ही 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कुकर का प्रेशर निकलने का वेट करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तो अब कुकर का लिड हटा के राजमा चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रेशर निकलने के बाद ही मैंने कुकर का लिड खोला है। ये देखिए राजमा के ऊपर कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसे चलाकर देखेंगे। ये एकदम परफेक्ट राजमा तैयार है।
तो राजमा तो तैयार हो चुके हैं, चलिए अब देख लेते हैं कि इसके लिए परफेक्ट चावल कैसे बनाने हैं। चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक गिलास चावल लिए हैं। अगर आप किसी बर्तन से चावलों को नापते हैं तो उसमें पानी डालना आसान हो जाता है। अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और इसमें ये चावल डाल देंगे और इसे अच्छे से नॉर्मल वाटर से धो लेंगे। यहाँ पर मैंने ये चावल धो लिए हैं अच्छे से, तो चलिए आप नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। मैं यहाँ पर चावल प्रेशर कुकर में ही बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर में ये चावल डाल देंगे। अब जितना हमने चावल लिया था उसका 1.5 गुना पानी इसके अंदर डालेंगे, यानी कि हमने 1 गिलास चावल लिए थे तो उसके लिए यहाँ पर मैं 1.5 गिलास पानी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने बासमती चावल लिया है, आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ बूंदे नींबू का रस। नींबू का रस ऐड करने से चावल बहुत ही चमकदार और एकदम सफ़ेद बनता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच देसी घी, इसकी वजह से चावल आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। अब हम प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे और इसमें 1 सीटी आने का वेट करेंगे। ये 1 सीटी आ चुकी है तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके बाद हम प्रेशर कुकर का प्रेशर निकलने का वेट करेंगे, इसे खोलेंगे नहीं। ये आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर का प्रेशर निकल चुका है। अब हम इसका लिड उठाकर देखेंगे, आप देख सकते हैं ये चावल कितने सफ़ेद और चमकदार बने हैं। ये सर्व करने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। अभी हमें इन्हें निकालना नहीं है, बस कुकर का ढक्कन हटा देना है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो आप भी इसका मॉइस्चर उड़ जाने के बाद ही इसे चलाएं। अब हम इसे थोड़ा सा ऐसे चलाकर देख लेते हैं। ये एकदम परफेक्ट राइस तैयार है, तो चलिए अब इनकी प्लेटिंग करते हैं। ये हमारे टेस्टी एंड ईजी राजमा राइस एकदम तैयार हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।